रिताज पकवान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा की नई प्रस्तुति पेश करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने देख ली है चूड़वा पोहा, जिसको मैं एक पानी से धो करके इस चैनल में छान करके मैं रख ली हूँ 10 मिनट पहले। देखिए तो वैसे खिले खिले पोहे बनेंगे। 2 उबले आलू को मैं छोटे छोटे टुकड़े में काट के रखी हूँ। 1 बाउल में भर के मैं मटर के दाने ली हूँ और इसमें फ्राई करके मैं डालूंगी मूंगफली दाने और छोले तो पोहा को मैं फ्राई करके डालूंगी। गार्निशिंग के लिए मैं सर ये भुजिया ली हूँ, धनिया पत्ता, नींबू 1, कड़ी पत्ता छौंक के लिए, सरसों के दाने, तीखी लाल मिर्च, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। अब मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले देखिए मैं इसमें डाल करके मूंगफली के दाने को भूनूंगी। इसे भूनने से कि तेल पूरा ऊपर से नहीं जाएगा, आराम से इसको छन करके भून। अगर आपके पास ऐसे है तो ऐसा यूज कीजिए, ये तलने में बहुत आसानी होती है। इसमें इसी में डाल करके मैं थोड़ा सा चूड़वा को फ्राई करूंगी ऊपर से गार्निशिंग के लिए। चूड़वा को और मूंगफली को मैं अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। अब मैं पोहा बनाना शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहले देखिए मैं राई के दाने डालूंगी। जब परतने लगने के बाद इसमें मैं कड़ी पत्ता डालूंगा। इसके बाद देखिए राई के दाने और कड़ी पत्ते के बाद मैं इसमें प्याज, दो बड़े बड़े प्याज को चॉप करके रखी इसे मैं डाल दूंगी। अच्छे से कलर चेंज होने तक भूनना प्याज को। तीन चार हरी मिर्च मैं काट करके रखी हूँ, हरी मिर्च को डाल दूंगी। 1 चम्मच में हल्दी पाउडर डाल दूंगी। प्याज के साथ इसे भूनना है। देखिए मैं उबले हुए आलू डाल देती हूँ, मटर के दाने डाल दूंगी। आलू उबले हुए आलू और मटर में थोड़े से मैं नमक मिला दूंगी, बाद में फिर नमक डालूंगी। भून गया हमें इसमें भिंगा आधा के जो पोहा का रखी हूँ अब मैं इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से पॉलिश करना। थोड़ी सी नमक मैं पहले डाली थी, अब थोड़ी सा नमक मैं बाद में डाल दे रही हूँ। साथ में देखिए 1 चम्मच में तीखी लाल मिर्च डालूंगी, इसे कलर भी अच्छा होगा। और तीखी ज़्यादा खाती है तो डालिए, नहीं करना है तो नहीं भी डाल सकती, स्किप भी कर सकती है। मिर्ची पाउडर डालने चाहिए पूरे में, तीखी हो जाएगी। अच्छी लगती है सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा ही नाश्ता, आराम से सुबह में भाग दौड़ में जल्दी में चटपट बनने वाली नाश्ता है। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से बनाई जाती है और सबके तरीके भी अलग अलग रहते हैं बनाने का। लास्ट में बनने के बाद देखिए मैं लेमन जूस को भी डाल दूंगी, नींबू का रस, इससे उसमें टेस्ट और बढ़ जाता है, अच्छी लगता है खाने में। नहीं अगर नींबू हो घर में तो अमचूर पाउडर भी, मैंगो पाउडर भी डाल सकती है।
एक नींबू का रस मैं डाल दी उसमें निचोड़ करके, फिर उसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी। लास्ट में जो धनिया पत्ता मैं रखी हूँ उसमें मिक्स कर दूंगी। इनका देखिए नाश्ता रेडी है, आइए इसे मैं सर्व करके दिखाऊंगा। अब देखिए ये पोहा बिल्कुल रेडी है। अब इसे मैं मूंगफली और जो चूड़वा वो पोहा को फ्राई करके रखी थी ऊपर से मैं डाल दे रही हूँ गार्निशिंग के लिए। और ये भुजिया, भुजिया डाल के खाने से तो बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी स्वाद बढ़ जाती है पोहा का। ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैं धनिया पत्ता डालूंगी। अब देख लीजिए पोहा बिल्कुल रेडी है, बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी पोहा है, मैंने ये सुबह के नाश्ता के लिए ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। आशा कर दूँ जरूर से बना के आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर नई रेसिपी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते। बहुत से स्टेट में देखिए पोहा को चुड़वा भी बोला जाता है, कोई बंगाल में बोला जाता है चीड़े चीड़ेवा, इसलिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसका नाम है।